8 मार्च नू वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है तो इस मौके पे आज असि इस पिंड विच आए हाँ जिथे कि असि लेडीज नू मेंसुरल हाइजीन उत्ते डॉक्टर नू नाल लेके आए हैं और इन्हां नू समझाना चाहते हैं कि हाइजीन इन्ना जरूरी है एंड इन्ने सारे जे असि ध्यान नहीं रखते तो कैंसर इन्ना वधदा है तो इस मौके पर अज असि अवेयरनैस के नाल नाल इन्हां नू जन औषधि के सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दसना चाहते हाँ कि सानू नैपकिन यूज करना चाहिए है और गंदा कपड़ा नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारिया बीमारियां होंगे हैं। YGPT यूथ फॉर ग्लोबल पीस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वालों आज हरलीन जी इतने हैं, मानसी जी इतने हैं, साढ़े नाल मैडम है जिन्होंने सानू हेल्प किया एंड इनरवील जिन्होंने मेडिकल कैंप लगाया और सानू मौका दिता कि असं इतने आके डिस्ट्रीब्यूट कर सकी। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सुचिता बत्रा है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम विमेंस डे के फंक्शन पे कैंप ऑर्गेनाइज करने आए हैं और फ्री पैड डिस्ट्रीब्यूशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस के बारे में हमने डिस्कशन किया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो सबसे सभी लोगों को, सभी मेंस्ट्रुएटेड फीमेल्स को पता होनी चाहिए, वो ये थी कि कोई भी फीमेल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली अपनी हाइजीन मेंटेन करे। पैड को दिन में एटलीस्ट 4 बार, मतलब 6 से 8 घंटे में ज़रूर कर लें, चाहे फ्लो कम हो। क्लीनिंग के टाइम पे आगे से पीछे क्लीन करेंगे, ना कि पीछे से आगे। कोई भी पैड होगा, डिस्पोजेबल पैड होगा, उसको रैप करके डस्टबिन में थ्रो करें, ना कि अपने पॉट में, अदरवाइज वो ब्लॉक हो सकता है। साथ में अगर आपको किसी भी तरीके का रैश है, कोई डिस्चार्ज है जिसके कारण आप पैड्स को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि पैड्स की जगह क्लॉथ पे आ जाए जो कि अगेन आपकी हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, इट इज़ बेटर कि आप हमेशा किसी गायनेकोलॉजिस्ट को पहले मिलें, अपना इन्फेक्शन चेक करवाएँ। तो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कोई इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज है, ना कि नॉर्मल डिस्चार्ज। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज किसी भी फीमेल को नॉर्मली होता है। ये डिस्चार्ज मोस्टली पीरियड्स शुरू होने से पहले होता है और मिड साइकिल होता है। यूजुअली कम अमाउंट में होता है, वाइट कलर का होता है, कोई इचिंग नहीं होती है, ना स्मेल होती है, ना ही कलर होता है। बट इन केस अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, या फिर इचिंग कॉज करवा रहा है, या थिक वाइट ग्रिटी अदरवाइज येलो एंड ग्रीन कलर का विद फाउल स्मेल, तो वो डिस्चार्ज अब नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा कोई भी डिस्चार्ज है तो दैट सिंपली मीन्स कि पेल्विक इन्फेक्शन यानी बच्चेदानी के रास्ते का या फिर वजाइना का इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर जाके मिलें, चेक करवाएं किस तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट लें और उसके बाद अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन रखें ताकि ऐसा इन्फेक्शन आपको बार बार ना हो। थैंक यू।